हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे मखाने का टेस्टी चूड़ा। ये हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स है जो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे कई अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है। यहाँ हमने एक सरल रेसिपी दी है। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और धीमी आंच पर 2 कप मखाने को अच्छे से भून लेंगे, या आप बिना घी के भी मखाने भून सकते हैं। मखाने भूनने के लिए लगभग हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। मखानों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सोडियम भी पाया जाता है। मखाने से हमें कम कैलोरी और ज़्यादा पोषण मिलता है। मखाने एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है। मखाने बहुत अच्छे से कुरकुरे होने तक हमने भून लिए हैं। मखाने हमने अलग से निकाल लिए हैं और 2 टीस्पून घी हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। इसी के साथ कढ़ाई में हम 1/4 कप मूँगफली ऐड करेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ 1/4 कप बादाम भी हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ काजू भी हम इसमें ऐड करेंगे और किशमिश भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो नारियल भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें भूनना है। मखाने हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होते हैं और डायबिटिक के लिए भी लाभकारी होते हैं। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रिस्प होकर रेडी है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे। इस मसाले से स्वाद और सुगंध बहुत अच्छा आता है। इसी में 1 टीस्पून चाट मसाला मिलाएंगे। स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। सारे मसाले स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर लें और भुने हुए मसाले इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम हम बंद कर लेंगे और मसाला मखाने में कोट होने तक अच्छे से हम मिलाएंगे। मखाना केवल पौष्टिक ही नहीं होता बल्कि इसे आसानी से स्नैक्स के रूप में घर पर बना सकते हैं, जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा होता है। ये चूड़ा हम बच्चों को टिफिन के लिए, टी टाइम स्नैक्स या उपवास के लिए बहुत अच्छा विकल्प रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल रूपाली आनंद को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।